एचडीएफसी बैंक का प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते समय अधिकतर लोग एक मेजर मिस्टेक करते हैं, जिसके कारण उनको क्रेडिट कार्ड मिलने पर कम लिमिट बैंक की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं। मैंने जब अपना प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था तो मेरे से एक मेजर मिस्टेक हुई थी, जो मिस्टेक मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि आप भी इन फ्यूचर अगर कभी भी एचडीएफसी बैंक में प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो आपको बैंक की तरफ से ज़्यादा लिमिट प्रोवाइड की जाए। गाइस, अगर आप भी एचडीएफसी बैंक के अकाउंट होल्डर हैं और आपको भी कभी एचडीएफसी बैंक का प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड मिलता है तो प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने से पहले इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, ताकि आपको एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट मिल सके। जानकारी शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। सबसे पहले मैं आपको अपनी नेट बैंकिंग लॉगिन करके मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट बता देता हूँ, मुझे कितनी लिमिट मिली है। वैसे आपने क्रेडिट कार्ड की अनपैकिंग वीडियो देखी होगी तो आपको लिमिट का पता ही होगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो वॉच नहीं की है तो वीडियो के डाउन में या फिर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी। जब हम HDFC नेट बैंकिंग को लॉगिन करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो हो जाता है, तो मैं क्रेडिट कार्ड वाले सेक्शन पर क्लिक करूंगा। क्रेडिट कार्ड वाले सेक्शन में यहाँ पर क्रेडिट कार्ड अवेलेबल शो हो रहा है। अवेलेबल लिमिट यहाँ पे 26,000 के करीब रही है। 50,000 के अराउंड मुझे यहाँ पर लिमिट बैंक की तरफ से प्रोवाइड की थी, तो मैंने फिलहाल इसमें थोड़ा स्पेंड कर लिया है, तो फिलहाल इतनी ही अवेलेबल लिमिट यहाँ पे बता रही है, शो कर रही है। मुझे बैंक की तरफ से टोटल 50,000 रुपीज़ की क्रेडिट लिमिट दी गई थी, जबकि मेरा HDFC बैंक में सेविंग मैक्स अकाउंट था, जिसमें 25,000 रुपीज़ मेंटेन करके रहना होता है। सेविंग मैक्स एक प्रीमियम लेवल का अकाउंट है, ये अकाउंट मैंने मेंटेन किया, उसके बावजूद भी मुझे 50,000 रुपीज़ की कम लिमिट क्यों प्रोवाइड की, इसके पीछे एक बड़ा कारण है, जो अधिकतर लोग ये मेजर मिस्टेक करते हैं। लिमिट कम होने के पीछे कारण है मेरा क्रेडिट स्कोर। जब मैंने प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया तो मेरा क्रेडिट स्कोर 734 पे था। इससे पहले मेरा क्रेडिट स्कोर 793 था। और HDFC बैंक में प्री अप्रूव्ड ऑफर मिलने से पहले मैंने SBI क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया, तो दो बार मेरा कार्ड डिक्लाइन हो चुका था। और मैंने दो बार अमेजन पे ICICI क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई किया, फ्लिपकार्ट के एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई किया, iZest उसके बाद मैंने जेस्ट मनी के लिए भी अप्लाई किया था, तो कुल मिला के सभी जगह मुझे रिजेक्ट कर लिया गया था। इसी कारण क्रेडिट हिस्ट्री में इनकवरी भी गई। इसके बाद मेरा कंज्यूमर लोन है वो थोड़ा अधिक था, कंज्यूमर लोन अधिक होने के कारण मुझे यहाँ पर लिमिट कम दी गई है। लेकिन जब मेरे कंज्यूमर लोन क्लोज हो जाएंगे, सिबिल रिवॉर्ड से क्लोज हो जाएंगे, तो मेरी लिमिट है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो गाइस, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको HDFC बैंक का प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड मिलता है तो अप्लाई करने से पहले आपको अपने जो भी एक्टिव लोन है उसको क्लोज कराना है। आपके एक्टिव कंज्यूमर लोन कम से कम एक या दो ही होने चाहिए, इससे अधिक नहीं होने चाहिए। अधिक लोन होने से बैंक आपको कम लिमिट ही प्रोवाइड करता है, क्योंकि आपके ऊपर पहले से अवेलेबल जो लाइबिलिटी है उसको बैंक देखता है। क्योंकि अगर आपके पास ज़्यादा लोन एक्टिव होंगे तो आपको वो लोन रीपे भी करने होंगे, आप मंथली EMI पेड करेंगे, तो उसको बैंक देखता है, पूरा क्रेडिट हिस्ट्री देखता है, आपका पूरा सिबिल हिस्ट्री देखता है, उसके बाद बैंक फाइनल डिसीजन लेता है आपको लिमिट देने का। तो अगर आप भी प्री अप्रूव्ड या फिर कोई भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो एक बार क्रेडिट हिस्ट्री देख लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम लोन रीपेमेंट करते हैं और हमारा लोन क्लोज भी हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी हमारा लोन एक्टिव हो जाता है। ऐसा मेरे साथ में भी हुआ, मैंने 2 साल पहले एक लोन क्लोज करवाया था, लेकिन वो किसी कारण से क्लोज सिबिल से क्लोज नहीं हुआ और अभी तक एक्टिव शो हो रहा है। उसके बाद मैंने सिबिल में इन्फॉर्म किया तो वो मेरा लोन है वो क्लोज हो चुका है अभी। तो गाइस, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।